और क्या स्थिति है पूरी? आज जिला बिजनौर में मंडावर क्षेत्र में एक स्कूल की बस और जो ट्रक है उसकी टक्कर हुई है। उसमें जो बस के ड्राइवर हैं उनका देहांत हो गया है और जो बस में जो स्कूली बच्चे थे उनमें से काफ़ी बच्चे इंजर्ड हुए हैं। लगभग अभी 14 से 15 बच्चों की इंजरी की सूचना आई है। हम लोग यहाँ पर जिला अस्पताल में हैं। अभी CMS से मेरे द्वारा फीडबैक लिया गया है तो कोई भी बच्चा क्रिटिकल जोन में नहीं है। सभी बच्चे खतरे से बाहर है। जिनको इलाज की आवश्यकता है उनका इलाज यहाँ पर कराया जा रहा है। कोई कैजुअलिटी है? इसमें बस के ड्राइवर की कैजुअलिटी हुई है, बाकी शेष बच्चे सभी सुरक्षित। अच्छा, हैं। अच्छा, इस स्कूल में सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं जिले के अंदर और जबकि बसों की व्यवस्था बहुत कंडम है, इसमें क्या कहेंगे आप? इसका हम लोग मॉडर्न एरिया स्कूल के हम लोग अभी इसको चेक भी करा लेंगे, जिसमें भी उनकी बसेस है उनको सत्यापन भी कराया जाएगा। अगर कहीं भी कमी पाई जाती है स्कूल प्रशासन की तरफ से तो स्कूल पर भी कार्रवाई की जाएगी। डीएम साहब, कई बार हादसे हो चुके हैं, सरकार भी और प्रशासन भी कार्रवाई करता है और परिवहन विभाग की लापरवाही के चलते इस तरीके के हादसे होते हैं। अवैध जो कंडम बसें हैं ये स्कूल में लगातार चल रही हैं। अभी वर्तमान में हम लोग जो भी स्कूली बच्चे यहाँ पे इंजर्ड हुए हैं उनके इलाज पे हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं। जैसे ही ये बच्चे सुरक्षित हो जाएंगे हम लोग इसकी जांच मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी इसकी कराई जाएगी और जो भी दोषी इसमें पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह लगभग 9 बजे मंडावर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि मंडावर चंदक रोड पर एक स्कूल बस का ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें स्कूल बस ड्राइवर की दुखद मृत्यु हुई है। आज कोहरा बहुत ज़्यादा था उस एरिया में, 18 बच्चे घायल हुए। इन घायल बच्चों को तत्काल पुलिस ने अस्पताल में एडमिट कराया। 4 अलग अलग अस्पतालों में इनका इलाज चल रहा है। मेरे द्वारा सभी अस्पतालों का भ्रमण किया गया, डॉक्टरों से बातचीत की गई, बच्चों का हालचाल जाना गया तथा उनके पेरेंट्स से बातचीत की गई। सभी बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। कुछ बच्चों की हेड इंजरी आई है, इनका बेस्ट अवेलेबल ट्रीटमेंट को उपलब्ध कराया जा रहा है तथा डॉक्टरों ने ये बताया कि उनकी हालत खतरे से बाहर है और उनको शीघ्र ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इस ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, अभियोग दर्ज किया जा रहा है। समस्त वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है।